नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कानपुर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। आपको बता दें कि गणपति के आगमन को लेकर के शहर में उत्साह दिखाई देने लगा है। कानपुर के सुतरखाना स्थित प्राचीन सिद्धि विनायक मंदिर में लोगों ने चतुर्थी तिथि लगने पर भगवान गणेश का दर्शन किया और सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ पर गणपति स्थापना के पहले गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा सुतरखाना से होकर के सदर बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में घूमी। जिस रास्ते से भी भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकली वहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी स्थानीय कलाकारों ने दी। इसके बाद पंडाल में गणपति को विधि विधान के साथ विराजमान कराया गया। यहां पर पूजन के साथ ही अखंड रामायण का पाठ भी किया गया। सेवादारों ने बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन मैस्कर घाट पर गणपति प्रतिमा का विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा। दिनेश गुप्ता हूँ और मैं गणेश मंदिर में एक सेवक हूँ। हमारा गणेश परिवार है पूरा। आज स्थापना यात्रा हम लोग यहाँ से 9 बजे निकाली और पूरे सदर बाजार होते हुए यहाँ पे 1 बजे ऊपर स्थापना की आरती भई है, यहाँ 2 बजे भई है। अब कल यहाँ पे राज तिलक रामायण बैठी है, कल राज तिलक है और भंडारा चलता रहेगा बराबर। कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा? पूरे 11 दिन चलेगा, अनंत 14 तक। आनंद 14 को हम लोग 28 तारीख को मस्कर घाट के लिए